परासिया में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके विरोध में 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। विधायक सुहान वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत राय, जनपद अध्यक्ष रईस खान की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर पदयात्रा निकाली गई। विधायक सुहान वाल्मीकि ने पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की अनियंत्रित कीमतों के विरोध में भाजपा सरकार पर लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई से हर वर्ग परेशान और पीड़ित है। पहले बेरोजगारी, कोरोना, अब महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। हम सभी कांग्रेसजनों ने बड़कुई से परासिया तक की पैदल यात्रा महंगाई के विरोध में निकाली और ये यात्रा हमारी लगभग 8 किलोमीटर की थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे सभी संगठन कांग्रेस के, एनएसयूआई हो या कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, सब ने अपनी योगदान, अपनी भागीदारी निभाई। हजारों की संख्या में महंगाई के विरोध में हम लोग पैदल मार्च किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।